जनपद में हुई छिटपुट बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था कि बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसको देखते हुए गोरखपुर में सुबह के समय मौसम सुहाना हो गया और तेज धूप की जगह लोगों को शहर में बूंदाबांदी देखने को मिली। बारिश के साथ साथ वज्रपात होने से ग्राम जंगल अयोध्या प्रसाद में निवासी राम अचल द्वारिका अपना ब्रास बैंड ढकने के लिए बच्चों के साथ घर से बाहर निकले थे, आकाशीय बिजली गिरने से घायल हो गए, जिससे चार लोगों को स्वास्थ्य केंद्र खोराबार में भर्ती कराया गया है। एक बच्ची की हालत गंभीर, बाकी सभी लोग ठीक हैं, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार कल तक का हमारे पास जो जानकारी है, मौसम में बारिश बनी रहेगी और तेज हवाएं भी चलेंगी और कुछ जगह काफी तेज और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। आपदा कंट्रोल रूम गोरखपुर को मिली सूचना के अनुसार कौड़ीराम में अच्छी बारिश हुई है। सभी तहसीलों को अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं पर अधिक बारिश होती है तो फसल को नुकसान पहुंचता है, तो उसका आकलन किया जाए। यदि 33% से अधिक की फसल की क्षति हुई होगी तो राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अनुसार जो अनुमन्य सहायता होगी वह दी जाएगी। खोराबार के जंगल अयोध्या प्रसाद में आकाशीय बिजली गिरने से चार लोग घायल हुए हैं और एक बच्ची बिजली से झुलस गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी जो मौसम है वो अभी कल सुबह तक का जो हमारे पास पूर्वानुमान है सुबह 8:30 बजे तक, यानी 19 तारीख 8:30 बजे तक का जो पूर्वानुमान हमारे पास IMD द्वारा प्राप्त है, उसके अनुसार मौसम जो है अभी इसी प्रकार बने रहने की संभावना है और कई जगहों पे छुटपुट वर्षा या कई जगहों पे ठीक ठाक वर्षा होगी। जैसा कि अभी हमारे आपदा कंट्रोल रूम को जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार अभी कौड़ीराम से आगे थोड़े क्षेत्रों में ठीक ठाक वर्षा हुई है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई फसल की क्षति होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन यदि कहीं फसल क्षति होती है तो कृषि विभाग और राजस्व विभाग की टीमें संयुक्त रूप से उसका असेसमेंट करेंगी और जैसा कि राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन में के अनुसार यदि 33% से अधिक की क्षति होती है तो उन्हें समुचित सहायता तत्काल रूप से कृषि निवेश अनुदान के रूप में उन्हें वितरित किया जाएगा। रासौल अभी जनहानि के संबंध में तो कहीं जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन जंगल अयोध्या प्रसाद में आकाशीय बिजली गिरी है, वहां पर चार लोग प्रभावित हुए हैं जिसमें से एक बच्ची झुलस गई है, लेकिन अभी उसका उपचार चल रहा है, तो जैसा आगे की सूचना प्राप्त होगी उसके अनुसार कार्रवाई किया जाएगा।